टेंथ क्लास आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का। चैप्टर का नाम है लाइट। ओके, तो लाइट के बारे में आपने लास्ट टाइम 8th क्लास में पढ़ा था, उससे पहले आपने 7th 6th में पढ़ाई है। आज हम उसका एक थोड़ा सा अच्छा लेवल करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती है वैसे वैसे हमारा लेवल भी बढ़ता है, तो आज हम लाइट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइट चैप्टर में सबसे पहले अपने पास आता है इसका इंट्रोडक्शन कि लाइट होती क्या है। अभी तक आपने जो पढ़ा है वो आपने पढ़ा है लाइट इज़ ए टाइप ऑफ एनर्जी, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। आज हम उसको थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज़ लाइट। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंदर हम दो तीन पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी या फिर इट इज़ ए टाइप ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी विच गिव सेंसेशन टू सी। लाइट की वजह से हम देख पाते हैं, ये वो एनर्जी है जिसके वजह से हम देख पाते हैं, ठीक है। आपने ह्यूमन आई का डायग्राम किया है 8th क्लास में, इसके अंदर आपको थोड़ा ध्यान है। तो रेटिना था होता है जो हमारी आँखों का एक तरह से पर्दे की तरह काम करता है। इट एक्ट एज स्क्रीन और आइज, ठीक है। वहाँ पर सारी की सारी इमेजेस बनती है। तो वहाँ पर क्या होता है ऐसा, वहाँ पर बहुत सारे सेल्स हैं जो लाइट के लिए सेंसिटिव है। जैसे उसके ऊपर लाइट गिरेगी तो उसमें एक सेंसेशन होगा जिसके से हम देख पाते हैं। तो ये लाइट की सबसे पहली डेफिनेशन है। दूसरा, अगर हम इसके नेचर की बात करें तो ये है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपने इसमें पढ़ा है 9th क्लास के अंदर साउंड चैप्टर में, साउंड चैप्टर के अंदर आपने सबसे पहले पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ वेव। तो वेव कितने टाइप की होती हैं, तो हमने इसमें पढ़ा था कि वेव दो टाइप की होती हैं, वन वाज मैकेनिकल अदर वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो मैकेनिकल वेव क्या होता था, जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए, लेकिन जिसको मीडियम नहीं चाहिए उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, ये आपकी स्क्रीन पर अभी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर आप देखिए कि लाइट का हिस्सा बहुत ही कम है, ठीक है। बहुत बड़ा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसके अंदर लाइट एक छोटा सा पार्ट है। आपने सुना है एक्सरे के बारे में, ठीक है। आपने एक्सरे मशीन देखी है, एक्सरे नहीं देखी होगी तो एक्सरे दिखाई नहीं देती, वो दीज आर आउट ऑफ द विजिबल नेचर फॉर ह्यूमन रेंज, ठीक है। ह्यूमन आइज की एक पर्टिकुलर रेंज है, जैसे ह्यूमन ईयर की एक रेंज थी 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, उसी तरह से हमारी देखने की भी एक पर्टिकुलर रेंज होती है, ठीक है। तो वो है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर सब कुछ इसमें है। चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, नो मीडियम टू ट्रेवल। तो इसको मीडियम की ज़रूरत तो है नहीं चलने के लिए, अगर मीडियम होगा तो भी चल पड़ेगी। जिसमें से लाइट चलती है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। तो ऑप्टिकल मीडियम का मतलब क्या हुआ, थ्रू विच लाइट कैन पास। तो ऑप्टिकल मीडियम क्या होते हैं, जिसमें से लाइट पास कर जाती है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है इसके अंदर, वो है हमें देखना है कि ऑप्टिकल मीडियम के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले तो हम ऑप्टिकल मीडियम होते हैं जिसके अंदर से लाइट पास कर जाती है। जैसे हमारे पास है ग्लास, शीशा एक तो होता है जिसमें से हम अपने आप को देखते हैं, और एक होता है पारदर्शी बोलते हैं जिसको हम, जिसके आर पार देखा जा सकता है, ठीक है। जैसे अपना प्लास्टिक कवर है ट्रांसपेरेंट यू कैन से। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, ऑप्टिकल मीडियम जिसके अंदर से लाइट पास हो जाती है। अगर बात की जाए तो हमें इस बोर्ड के आर पार नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये एक ऑप्टिकल मीडियम नहीं है, ओके। जिसके आर पार हमें दिखता है वो एक ऑप्टिकल मीडियम होता है, ओके। तो लाइट का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके। साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए लेकिन लाइट को चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। हाँ, अगर होगा तो उसके लिए कंडीशन है ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है। तो लाइट चैप्टर का दूसरा नाम हम रखते हैं ऑप्टिक्स, क्योंकि हम इसमें लाइट के बारे में स्टडी करेंगे, ओके। तो लाइट की स्टडी को हम ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स जो चैप्टर है आपको, इसको यूज़ करेंगे आप इस वर्ड को 12th क्लास में, ठीक है। तो ये था इसका नेचर। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। ये मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं लाइट के, जो आपको याद रहे ताकि हमें लाइट की स्टडी थोड़ी और ईजी लगे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, ओके। देखिए, साइंस में एवरीथिंग इज प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप साइंस को दो भागों में बांट सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट फिजिक्स को, कि पहला है जिसको हम पहले थ्योरी देते हैं, ठीक है, और फिर हम उसका प्रूफ लेकर आते हैं एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। दूसरा है जिसके हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट बेस हम एक नए रूल्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, ओम्स लॉ कैसे था, उन्होंने कहा था कि वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, ठीक है। उसी तरह से वो कैसे आया था उनके पास, उन्होंने क्या किया था, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कभी उस वायर को जोड़ा, कभी उस वायर को, कभी इस टेम्परेचर पे, कभी उस टेम्परेचर पे, और उसके अकॉर्डिंग जो जो कंडीशन है इसको लिख दिया। तो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड प्रूफ
और थ्योरी बेस्ड बुक। अपने पास दो तरह से फिजिक्स आती है, तो थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, ये दो ब्रांचेज आप इसमें मान सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो लाइट वाला है इसके अंदर बहुत थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स हैं। ठीक है, आप इसको 12th क्लास में काफ़ी डिटेल में अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है फास्टेस्ट। लाइट अभी तक सबसे तेज पार्टिकल है, लाइट से तेज अभी तक कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपके मान लीजिए कि 12th क्लास तक आपका ये रूल सेम रहेगा। और हो सकता है कि आपने इस चीज़ के बारे में सुना हो, लेकिन एक पार्टिकल है टाइकून नाम से, उसकी डिस्कवरी हुई थी जो कहा जाता है कि वो लाइट से भी फास्ट है, जो कि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी कंट्राडिक्ट करता है। तो दैट्स अ डिफरेंट मैटर, उसके बारे में हो सकता है कि आप अपने कॉलेज लाइफ में पढ़ें। तो फास्टेस्ट है कैरेक्टरिस्टिक इसकी। सबसे पहली, इसकी स्पीड होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में। ठीक है, वैक्यूम होता है जहाँ पर कुछ भी नहीं हो, एम्प्टी स्पेस, वॉइड। तो जहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि रास्ते में उसकी कोई रुकावट नहीं है, तो लाइट की स्पीड होगी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको किलोमीटर में निकालते हो तो आता है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 300,000 किलोमीटर चली जाएगी। ठीक है, तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो लाइट की स्पीड से भागता है, जब तक आप उसको आवाज़ दोगे एक सेकेंड में, तो आपको 300,000 किलोमीटर आगे मिलेगा। ठीक है, इस सबसे फास्टेस्ट चाहिए। साउंड की स्पीड क्या थी, 330। ठीक है, थोड़ा राउंड ऑफ करने के लिए 300 मान लेते हैं, तो उससे देख लो 300 के हिसाब से दो जीरोस कट जाएंगी, 10⁶, इतने गुना ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट तेज है। ठीक है, आपने 8th क्लास में क्वेश्चन सुना भी होगा कि थंडर जो है जब बिजली कड़कती है आसमान में, तो उस दिखाई पहले देती है, आवाज़ बाद में आती है, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत तेज है, लाइट फटाफट से आंखों तक पहुंच जाती है, साउंड की स्पीड थोड़ी धीरे है, 10⁶ का फर्क है आसपास। ठीक है, तो उसको टाइम लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है इसका, कैन पास थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट पास हो जाती है, ग्लास, वाटर, एयर, डायमंड एंड रूबी, देर आर लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम्स। ठीक है, लेकिन ये किसमें से पास नहीं होती, ओपेक मीडियम से। ओपेक क्या होता है, जिसके आर पार दिखाई नहीं देता। जैसे मेरे पास ये बुक है, आपको इस बुक के आर पार नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आप यहाँ से नहीं बता सकते कि इसके दूसरी साइड, हाँ ये तो आपको पता है जैसे कि इसके दूसरी साइड तो मैं ही खड़ा हूँ। ठीक है, अगर आपको इसको छुपा दिया जाए इस तरह से कि अब इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, तो यू कांट सी। ठीक है, आप इसके पीछे देख के नहीं बता सकते, लेकिन अगर इसकी जगह मेरे पास कोई ग्लास होता या कोई कवर होता प्लास्टिक का, तो आप उसके आर पार देखकर बता सकते थे। ठीक है, तो वो होते हैं ओपेक मीडियम, जिसमें से हम नहीं देख पाते, और ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं जिसमें से हम देख पाते हैं। एक मीडियम और होता है ट्रांसल्यूसेंट, तो ट्रांसल्यूसेंट मीडियम भी होता है हमारे पास, एक ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ओपेक होता है जिसके आर पार दिखे ही ना। ठीक है, और ट्रांसल्यूसेंट होता है इसमें धुंधला दिखता है। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला सा अंदाजा हो जाता है कि क्या हो रहा है पीछे की तरफ। जैसे कपड़ा है, कपड़े के आर पार हमें थोड़ा थोड़ा दिख जाता है। ठीक है, हैंकी के आर पार दिख जाता है, और भी जैसे अपने पास कोई पेपर है जिसके ऊपर गलती से आपने ऑयल डाल दिया, आप पेपर को ऐसे देखो, उसके आर पार नहीं दिखेगा। फिर आप उसको थोड़ा ऑयल डालो उसके ऊपर, उसको सरफेस को चिकना करो, और फिर उसके पार देखोगे तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, पूरा नहीं दिखाता उसमें। उसके बाद है इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा सीधे रास्ते में चलती है। ठीक है, रास्ते में लाइट कभी मुड़ती नहीं है। ठीक है, लाइट सीधा जा रही है तो सीधा ही जाएगी, कब तक, जब तक उसके रास्ते में कोई रुकावट ना जाए। ठीक है, रुकावट आएगी तो उससे टकराने के बाद उसकी डायरेक्शन बदलती है, ऐसे हवा में लहरा के डायरेक्शन नहीं बदलती। ठीक है, हालांकि हमने अभी इसका पढ़ा था कि लाइट एक वेव है, तो वेव कैसे चलती है, तो उसका नेचर तो ऐसे होता है। ठीक है, तो इसकी जो डिस्टेंस है इतना होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये मुड़ रही है या नहीं मुड़ रही, इतना कम होता है, अपने को पता भी नहीं चलता। तो वी कैन से कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके बाद है लाइट शो रिफ्लेक्शन व्हेन फॉल ऑन सरफेस। आपके बुक में इसमें लिखा होगा व्हेन फॉल ऑन रिफ्लेक्टेड सरफेस, लेकिन यहाँ पर कोई भी सरफेस हो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, देखो अपने पास तीन तरह के इसमें वर्ड आएंगे, एक आएगा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ज़्यादातर मीडियम में ये तीनों चीज़ें होती ही होती है, तो हमारे पास ये तीन चीज़ें होती ही होती है, एक रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन और एक एब्जॉर्प्शन। डिपेंड करता है कि सरफेस कैसी है। ठीक है, रिफ्लेक्शन जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, अगर हमें कोई चीज़ दिखाई दे रही है तो इसका मतलब लाइट उससे टकराकर हम तक पहुंची है। ठीक है, तो यहाँ पर सरफेस आएगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस ऐसा होता है जिसमें हमें, देखो दो तरह के सरफेस आएंगे, आपने पढ़ा है 8th क्लास में, आपने सुना होगा दो वर्ड आते थे, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, या फिर रेगुलर और डिफ्यूज। तो डिफ्यूज होता है जहाँ पर शेडो बनती है। ठीक है, आपने इसके ऊपर ऐसे हाथ किया, यहाँ पर शेडो बन गई, तो इसका मतलब वो क्या है,
रिफ्लेक्शन कौन से वाला, इरेगुलर वाला, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा बोर्ड पे लग रहा है, जैसे छाया हो गई है, ठीक है। तो छाया जहाँ पर दिखाई दे, जहाँ पर अपनी शेडो बनती है, ठीक है, जो शेडो बनती है यहाँ पर, देखिए थोड़ा शेडो बनती है जहाँ पर, वहाँ पर अपने पास क्या होता है, रिफ्लेक्शन, कौन से वाला, इरेगुलर वाला। और जहाँ पर हमें इमेज बन जाए, इमेज का मतलब जैसे हम अपने आपको शीशे में देखते हैं वो वाली चीज़ बन जाए, तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। शीशे में हम देखेंगे तो रेगुलर, अदरवाइज डिफ्यूज। तो रिफ्लेक्शन तो होता ही होता है हर सरफेस पे। अगर किसी चीज़ के ऊपर लाइट टकराए और वो वापस ही ना आए तो एब्जॉर्ब होगी सारी की सारी, ठीक है। तो ब्लैक कलर जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। परफेक्ट ब्लैक बॉडी आज के टाइम में कोई भी नहीं है, 99% तक साइंटिस्ट हो चुके हैं कामयाब, 99.9% तक एक ऑब्जेक्ट उन्होंने बनाया जो इतनी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन फिर भी 0.01% तो या 0.1% तो रिफ्लेक्ट होती ही होती है, ठीक है। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल ब्लैक होल। आपने सुना है ब्लैक होल का नाम, ठीक है, अभी चर्चाओं में था, द फर्स्ट इमेज ऑफ ब्लैक होल इज रिलीज। तो इमेज के लिए, फोटो के लिए हमें क्या चाहिए, लाइट जाके टकरा के वापस आनी चाहिए, लेकिन ब्लैक होल से लाइट वापस नहीं आती। तो आसपास के डाटा को ऑब्जर्व करते हुए हमने उसकी एक इमेज बनाई थी, ठीक है। तो लाइट हमें तीन चीज़ें शो करेगी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अब देखिए रिफ्लेक्शन तो हमें पता लग गया क्या होता है, लाइट का टकरा कराना। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, लाइट उसने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। जो कलर उसने एब्जॉर्ब किया वो हमें दिखाई नहीं देता, जैसे आपको ये ग्रीन बोर्ड दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब इसने ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट किया है और वही हमारी आंखों तक पहुँच रहा है, बाकी बचे हुए कलर इसने एब्जॉर्ब कर लिए, ठीक है। तो ये सब पहले सीख चुके हैं 6th, 7th, 8th तक। जो इसमें रिफ्रैक्शन वर्ड है, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब मीडियम चेंज हो जाए, ठीक है। मीडियम यहाँ पर सब्जेक्ट के मीडियम की बात नहीं हो रही, इंग्लिश से हिंदी नहीं हो रहा, मीडियम का मतलब है एयर का मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम चेंज हो जाए, यानी कि जैसे वो हो सकता है ग्लास से वाटर में चली जाए लाइट, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, एक पानी की बाल्टी रखो उसके ऊपर ग्लास रख दो, ठीक है। तो ग्लास में से लाइट होते हुए पानी के अंदर जाएगी तो मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। एयर से ग्लास में आ रही है लाइट, एयर से वाटर में आ रही है, ठीक है। तो ये सब क्या है, जब ऐसा होता है तो हमें रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है पाथ का चेंज हो जाना, रास्ता चेंज हो जाना। तो इस चैप्टर में हमें रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन दोनों पढ़ने हैं, ठीक है। और इसके बाद है वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। वी का मतलब वेलोसिटी एंड लैम्डा मींस लैम्डा का मतलब वेवलेंथ, ठीक है। ये चेंज होती है अगर मीडियम चेंज हो जाए, अगर आपने मीडियम चेंज कर दिया तो वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी और यहीं से हमें पता लगेगा कि फ्रीक्वेंसी ही है जो कलर डिसाइड करती है, ठीक है। आप एक बल्ब को लगाते हैं, मान लीजिए रेड कलर का आपने बल्ब लगाया और उसके बाद आपने उसको हवा में से देखा, फिर आपने उसको स्विमिंग पूल में उतर गए पानी में से देखा, तो आपको दोनों बार वो रेड कलर ही दिखाई देगा। तो रेड कलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो लेकिन एयर से उसमें जब जाएगी वाटर में तो उसकी स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी। आपने फॉर्मूला पढ़ा है वी इज इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाई न्यू, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कलर के बारे में कि उसका कलर क्या रहेगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ चेंज होती है और वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। एक है इसके अंदर ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब है ये सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशनरी टॉपिक रहेगा आपका 12th क्लास में, क्रांतिकारी टॉपिक आप इसको कह सकते हो। तो एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। हमने इसकी बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। पार्टिकल का मतलब जैसे हमारे पास एक, हमें ऐसा लगता है, हम इसको ऐसे समझने के लिए बोलते हैं कि लाइट के पार्टिकल हैं बिल्कुल छोटी छोटी बॉल्स और हम उसको फेंक रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से अपने को लगता है कि पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पर हमें लगता है कि ये वेव की तरह बिहेव कर रही है। तो ड्यूअल नेचर जो है आप इसको 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि लाइट जो है पार्टिकल की तरह बिहेव भी करती है और वेव की तरह भी। तो लाइट रिफ्लेक्शन शो करती है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, टकरा कर वापिस आ जाना, ठीक है। रिफ्लेक्शन शो करती है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, टकराने के बाद रास्ता बदल लेना, ठीक है, मुड़ जाती है वो, ठीक है। इसके अंदर एक वर्ड और आएगा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और एक वर्ड आएगा डिस्पर्जन, तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 8th पॉइंट, इट शो डिस्पर्जन। डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपने पढ़ा है पहले, आप पहले इसको पढ़ चुके हैं, आपको ये वर्ड याद होगा विबग्योर, ठीक है ना। तो लाइट जो है 7 रंगों में टूट जाती है, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ना है,
नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा लाइट का पार्ट टू, दैट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। उसके अंदर हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट या फिर वेवक्योर कलर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो नेक्स्ट चैप्टर है। तो 11th चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे डिस्पर्जन के बारे में और 10th चैप्टर में आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। तो ये था हमारा लाइट का बेसिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की थी डेफिनेशन की, तो लाइट क्या है कि ये एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। दूसरी हमने बात की कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तीसरी जो हमने बात की ऑप्टिकल मीडियम की जिसमें से लाइट पास हो सकती है, ठीक है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, यहाँ तक एक बार आप नोट कर लीजिए। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें चैप्टर में यूज़ करने हैं। सबसे पहला वर्ड आता है इसमें सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि जिसमें से लाइट हमें मिलती है, ठीक है। जहाँ से लाइट आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। अब सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास होते हैं दो टाइप के। पहला है सेल्फ ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस होता है जो खुद लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो लाइट प्रोड्यूस करता है, जैसे सन, जैसे बल्ब, जैसे ट्यूबलाइट, कैंडल, ये सब क्या है, सेल्फ ल्यूमिनस, जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस होते हैं जो लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते, रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे मून, मिरर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मीडियम, मीडियम की बात हम कर चुके हैं। मीडियम क्या था, ऑप्टिकल मीडियम की यहाँ पर बात होगी। तो ऑप्टिकल मीडियम क्या होते हैं, जिसमें से लाइट ट्रेवल करती है, ओके। उसके बाद है अपने पास रे। तो रे आपने मैथ्स में पढ़ा है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है। तो रे क्या है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो स्टार्टिंग पॉइंट रे ऑफ लाइट का मतलब क्या होगा, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि जो सोर्स से स्टार्ट होगी और कहाँ खत्म होगी, जब तक उसके पास एनर्जी है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जब तक एनर्जी है तब तक चलती जाएगी। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई सोर्स है, दिस इज सोर्स, तो यहाँ से लाइट निकल रही है और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी, तो दिस इज रे ऑफ लाइट, ओके, दिस इज रे ऑफ लाइट। ये किसी भी तरफ जा सकती है, ऊपर की तरफ जा सकती है, नीचे की तरफ जा सकती है। नेक्स्ट है अपने पास बीम ऑफ लाइट। तो बीम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रेज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। बीम का मतलब है जैसे आपने लेजर लाइट ऑन कर दी, ठीक है, लेजर लाइट में से जो मोटी सी धार निकलती है लाइट की, वो बीम है, ठीक है, पतली सी जो होती है ना, उसी तरह टॉर्च में से जो निकलेगी वो क्या है, कलेक्शन ऑफ रेज, बीम। असल में देखो रे क्या है, लाइट एक छोटा सा पार्टिकल है, इतना छोटा, देखो आज तक हमने एटम को अच्छे से नहीं देखा है, उसके भी सिर्फ डायग्राम्स बन रहे हैं ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग। तो लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उससे भी कई गुना छोटे होते हैं ऐसा माना जाता है। लाइट के पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फोटोन्स, ठीक है। इसके लिए न्यूटन ने वर्ड यूज़ किया था कॉर्पस्कुलर, कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी उन्होंने, कॉर्पस्कुल्स नाम दिया था उन्होंने इसको। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहती थी कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स और उनका साइज किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। अगर लाइट ज़्यादा है तो इसका मतलब बड़े बड़े पार्टिकल निकल रहे हैं, और छोटे लाइट कम है तो छोटे पार्टिकल निकल रहे हैं। तो वो उनकी थ्योरी थी, तो इतने बड़े पार्टिकल भी नहीं थे जो हमें दिखाई दे, ठीक है। तो हमें जो रे है वो बहुत ही छोटी होती है, ठीक है, इतनी छोटी होती है कि हम उसको नेक्ड आइज या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं ऑब्जर्व कर सकते। तो हम जो यूज़ करते हैं वो बीम ऑफ लाइट यूज़ करते हैं कि हमारे पास कलेक्शन है रेज का, ओके। फिर उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जैसे हम खुद हैं, ठीक है, जो शीशे के सामने खड़ा है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आप हो सकते हैं, इस टाइम पे ये बोर्ड एक ऑब्जेक्ट है और जो आप देख रहे हैं वो उसकी इमेज बनी हुई है, ठीक है। हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं जैसे, तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट ये रियल में है, ठीक है। ये मैंने चॉक होल्डर जो पकड़ा हुआ है ये रियल में है, यहाँ पर मैं रियल में हूँ, और मैं रियल मी नहीं, रियल मी, ठीक है, फोन की बात नहीं चल रही यहाँ पर। तो हम सब यहाँ पर इन रियलिटी प्रेजेंट है, लेकिन आप जो इसको देख रहे हैं तो कैमरे ने क्या किया, कैमरे ने उसकी इमेज को कैप्चर किया, ठीक है। हम जो कर रहे हैं उसकी इमेज कैमरे के अंदर कैप्चर हो रही है और हम जो ऑब्जर्व करेंगे वो इमेज होगी, ठीक है। इमेज हमारे पास होती है दो टाइप की, एक रियल और एक वर्चुअल, ठीक है। रियल इमेज होता है जो हम कैप्चर करते हैं, ठीक है, कैमरे के अंदर कैप्चर करते हैं या स्क्रीन के ऊपर कैप्चर करते हैं। आपने सिनेमा हॉल में देखा है पीछे प्रोजेक्टर चल रहा होता है, आगे इस पर लाइट आ रही होती है, तो वो एक रियल इमेज होती है, ठीक है। वर्चुअल इमेज होता है जो हमें दिखती तो है लेकिन उसको कैप्चर नहीं कर सकते, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या होगा, जो दिखे मगर कैप्चर ना हो, जो दिखे बट कैप्चर ना हो, और जो कैप्चर हो जाए वो क्या होती है, रियल इमेज होती है, ठीक है। आप शीशे में अपने आप को देखते हो, शीशे में आप अपने आप को देखते हो, आपको दिखाई तो देता है लेकिन क्या आप उसको कैप्चर कर सकते हो, क्या वो किसी स्क्रीन के ऊपर है, तो नो। तो रियल इमेज होती है जिसको हम कैप्चर करते हैं, जैसे कैमरे के ऊपर कर लेते हैं, स्क्रीन के ऊपर करते हैं, या इसको हम जो आगे पढ़ेंगे वो है जो लाइट के रियल में मीट करने से बनती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, लाइट रियल में मीट करती है, जैसे हम लिखेंगे लाइट रेज मीट एक्चुअली,
और इसके अंदर लाइट रेस टेंड्स टू मीट, हमें लगेगा कि मिल रही है लेकिन मिलती नहीं, ठीक है। तो ये है हमारे पास कुछ वर्ड्स जो हमें इस चैप्टर में यूज़ करने हैं। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ का थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखना है क्योंकि हमें अभी इमेज फॉर्मेशन ही करनी है। इस चैप्टर के अंदर इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास टोटल 16 डायग्राम्स है, 16, ठीक है। उसमें से कन्वेक्स कनकेव आपने सुने हैं, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, हम उसके सारे के सारे केसेस को स्टडी करेंगे अभी, और इसके जो लॉज हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर डायग्राम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको इमेज का आइडिया होना चाहिए कि रे क्या होती है, बीम क्या होती है और इमेज क्या होती है, ठीक है। एक बार आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अब है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि व्हेन ए रे ट्रेवलिंग इन ए मीडियम, जब कोई रे किसी मीडियम में चल रही है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक मीडियम है, मान लेते हैं कि एयर है, ठीक है। तो एयर में जब कोई लाइट चल रही है, ठीक है, वो एनकाउंटर अ बाउंड्री ऑफ अनदर मीडियम, उसका एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर का मतलब आपने मूवीज में सुना ही है, तो ये वही एनकाउंटर है, आमना सामना, जब उसका सामना होता है अनदर मीडियम से, तो ये एक हमारे पास पॉलिश सरफेस है, यू कैन से दिस इज अ मिरर। तो जैसे उसका सामना उससे होगा तो उसका एक पार्ट लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है या फिर थ्रोन बैक टू द ओरिजिनल मीडियम, ये उसी मीडियम में जो पहले था उसी मीडियम के अंदर थ्रो कर देता है, उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। देखिए अपने पास ये ऐसे भी हो सकता था कि हमारे पास इस तरह से एक पॉली सरफेस है, लाइट ऐसे आई और ऐसे कैसे चली गई, ठीक है, या फिर थोड़ा सा टेढ़ा होते ही तो लाइट जाएगी भी तो टेढ़ी, अगर आई टेढ़ी है तो जाएगी टेढ़ी, तो हमने क्या किया, टेढ़े वाला एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। हमारे पास इसमें दो टाइप के रिफ्लेक्शन थे, रेगुलर और डिफ्यूज, इसकी हमने बात की थी। रेगुलर कौन सा होता है, जिसमें इमेज बनती है, इमेज का मतलब जैसे हम हैं हम वैसे के वैसे ही दिखाई देंगे शीशे के अंदर, शीशे के अंदर हम देखते हैं अपने आप को, या कई बार होता है कि हमने एकदम बढ़िया वाली सफाई की है तो हमें फर्श के अंदर अपना चेहरा नजर आता है, ठीक है। कई बार जब हम नया नया पेंट करवाते हैं तो पॉलिश इतनी बढ़िया फिनिशिंग होती है कि हमें पेंट के अंदर अपने आप को देखते हैं, ठीक है। आपने ऐड तो देखी होगी, वो बर्तन बार वाली, या एक्सपर्ट है, विम बार है, चकाचक इतने बढ़िया बर्तन साफ कर देते हैं कि इसमें चेहरा दिखाई देता है, तो वो उसको क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होगा, जब हमें शेडो दिखाई दे, ओके, तो शेडो दिखती है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और जिसमें हमें इमेज दिखती है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हमने इसको ऐसे बनाया है, इसको मैंने अलग अलग कलर से बनाया ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। ये लाइट आ रही है रिफ्लेक्शन से पहले, तो बिफोर रिफ्लेक्शन जो लाइट है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, ये कौन सी है, जस्ट बिफोर रिफ्लेक्शन। अब इसका कुछ हिस्सा लाइट का, मान लीजिए यहाँ से 100 रेज आई थी, मान लेते हैं 100 रेज आई, यानी ये बीम बन गई, बीम ऑफ लाइट होगी, इसका कुछ हिस्सा इसने एब्जॉर्ब कर लिया होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होता है, बिल्कुल लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है, हमें कैसे पता एब्जॉर्ब कर लेती है, तो आप अभी जब अब देखिए इतना बढ़िया मौसम है, धूप अच्छी निकली हुई है, तो आप जैसे बाहर जाते हैं आप दीवार के हाथ लगाते हैं तो गर्म हो जाती है, गर्म कैसे हुई, तो उसका मतलब एब्जॉर्ब किया उसने लाइट, लाइट एनर्जी ही तो है, हीट के फॉर्म में उसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो कुछ हिस्सा उसका एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है। लोग बाहर शीशे इसीलिए लगवाते हैं, शीशे वाले जो होते हैं ना आजकल खिड़कियाँ लगी हुई हैं वो इसीलिए लगवाते हैं ताकि अंदर का टेम्परेचर थोड़ा कम रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, ओके। तो इंसिडेंट रे जस्ट बिफोर रिफ्लेक्शन, ये टकराने के बाद इस तरफ आई तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो बीच में वाइट वाली लाइन है इसका नाम रखा गया नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री पर, कोई भी लाइन हो जो भी चीज़ नॉर्मल होगी, नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री पर है, ठीक है। ये चीज़ इसके ऊपर नॉर्मल है, ठीक है। इस तरह से ये अपने इस बोर्ड के ऊपर नॉर्मल आ गया, ठीक है। हम जब खड़े होते हैं धरती पे एकदम नेशनल एंथम पोजीशन, तो वो कौन सी है, नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। अटेंशन बोलते हैं, नॉर्मल पोजीशन वही है, ठीक है, एकदम सीधा, ठीक। तो ये हमारे पास तीन चीज़ें नहीं आई हैं, इंसिडेंट रे, बिफोर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंड नॉर्मल। ये जहां पर आप नॉर्मल यहां भी बना सकते थे 90 डिग्री, तो यहां भी बन सकता है, फिर मैंने यही क्यों बनाया, क्योंकि हमें लाइट वाला देखना है ना, लाइट का पाथ जहां पे जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम नॉर्मल बनाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल हमारे पास आ गया। जो इंसिडेंट और नॉर्मल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, इसके लिए हम यूज करेंगे आई आर, और इसके लिए हम यूज करेंगे आर आर, ठीक है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है।
और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल आर, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास अभी चार चीजें आई, आई आर इंसिडेंट रे, आर आर रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीन चीजें तो ये हो गई, और दो नई चीजें क्या हैं, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये चीजें है हमारे पास रिफ्लेक्शन के अंदर। अब इसमें आपने याद है आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते थे हमारे पास, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वही है जो 8th क्लास में थे, क्योंकि लॉज यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, कहीं नहीं बदलते। ठीक है, कुछ लॉज ऐसे हैं जिसमें कंडीशन लगती है, जैसे एक्सपेरिमेंटल लॉज होते हैं, लेकिन ये भी एक्सपेरिमेंट से ही प्रूव किया गया है, इसका ये हर जगह लगेगा, चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो। डिफ्यूज में क्या होगा, सरफेस रफ होगी। ठीक है, तो पहला लॉ तो आपको याद ही है कि इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो सेम प्लेन पे होते हैं, लाइज ऑन सेम प्लेन। प्लेन का मतलब एक सरफेस, 2D फिगर, जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है। ठीक है, और सेकंड जो था वो था एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ओके, तो ये है हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कभी कभी होता है कि आपसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पेपर में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के अंदर, तो आप इन दोनों को एक बार जरूर रीड करें, ये डेफिनेशन आपके सामने है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, और सेकंड जो है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज दैट, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, या फिर जो कहें रेगुलर हो या डिफ्यूज हो, दोनों में रिफ्लेक्शन सेम ही रहता है। दिस ओके, तो आज हम यहीं तक करते हैं एक बार, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अबाउट मिरर्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिरर के बारे में करते हैं, दो टाइप के मिरर और उसके रे डायग्राम।